اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شیف رضوان، افریقہ میں موجود ہوں جدید ریسپیوں کے ساتھ، نت نئے ڈیزائن کی ریسپیاں، جدید ریسپیاں۔ بہت سارے کمنٹس، بہت سارے ریکویسٹ آ رہی تھی جو رشین سیلڈ جو ہے نا، رشین سیلڈ کی جو ہے نا، آپ ہمیں اوریجنل طریقے سے ریسٹورینٹ کی ریسپی بتائیں۔ میں اوریجنل طریقے سے رشین سیلڈ کی آپ کو ریسپی دینے لگا ہوں۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬਾਂਗਾ ਨਾ ਆਲੂ ਦੱਬਾਂਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਲੂ ਔਰ ਕੇਲਾ ਇਸਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲੇਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਇਸਕੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੋ ਕਮ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਬਾਰ ਹਰ ਦਫਾ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਬਣਾਏਂਗੇ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜੋ ਮੁੱਦਤ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਯੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੇਂ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਂਗੇ ਯੇ ਮਟਰ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸੇ ਹਮੇਂ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ, ਯੇ ਜਾਏਗਾ। ये वाला ग्रीन अंगूर है मोटे वाला, ये देखें ये वाला इस तरह का, इनके मैं दो दो पीस करा लूँगा। और ये मेरे पास गाजर है, गाजरों को मैं क्यूब की शक्ल में काट के बॉयल कर लूँगा, मटर भी बॉयल कर लूँगा और गाजर भी बॉयल कर लूँगा, इनको मैं काट लूँगा। ये मेरे पास जो है ना, ये देखें मैक्रोनी है, ये देखें इसको इस तरीके से इस डिज़ाइन में भी मिल जाती है रिंग वाले खूबसूरती के लिए। इसको मैं बॉयल कर लूँ, इन चीज़ों को सबको, इनको मैं काट लूँ। ये दो किलो सेब हैं, बेस जो है इसकी वो सेब है, दो किलो सेब मैं इसके काट लूँ क्यूब की शक्ल में, बगैर छिले छील लूँगा नहीं, इनको मैं क्यूब की शक्ल में काट लूँगा। अब मैं आपको एक काट के दिखा दूँ, ये देखें, ये देखें इस तरीके से मैं इसको काट लूँगा ऐसे, ये देखें ऐसे 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 ऐसे, ये इस शक्ल में मैं इनके सेब को बहुत ज़्यादा कचरा नहीं करूँगा, इस शक्ल में मैं सेब काट लूँगा। अंगूरों के दो दो पीस कर लूँगा। ये सब कुछ मैं तैयारी करके इंशाल्लाह फिर आपको 10 से 15 मिनट के बाद मिलता हूँ इंशाल्लाह। ये दो किलो सेबों का फार्मूला, ये मायोनीज की रेसिपी मैंने आपको दे दी थी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आ जाएगा, आई बटन में भी, आई बटन में भी। ये मायोनीज इसके अंदर शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन एक किलो मायोनीज मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ, ये देखें एक किलो मायोनीज शामिल करते हैं। अब ये क्रीम का मसला है यहाँ पे, ये देखें, ये हमें क्रीम थोड़ा सा यहाँ से अच्छी नहीं मिल पा रही अफ्रीका से, क्योंकि यहाँ पे भैंसे नहीं होते, ये गाय के दूध से बनी हुई जो है ना वो क्रीम है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो टेट्रा पैक जो मिलता है किसी अच्छी सी कंपनी का वो ले लीजिएगा, और वो तकरीबन तीन पाव इसके अंदर जो आधा किलो से कुछ ज़्यादा जो है ना वो इसमें क्रीम शामिल होगी। ये देखें, ये मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए। कुछ इस तरीके की शक्ल की क्रीम मिलती है, कुछ मैं इस तरह की डालूँगा। मैं तकरीबन इसके अंदर 500 ग्राम क्रीम शामिल करूँगा, ये देखें, ये देखें, ये 500 ग्राम क्रीम शामिल करूंगा। ये मेरे पास क्रश की हुई शुगर है, ये देखें शुगर, हाँ जी क्रश की हुई शुगर है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टेबल स्पून ये मैंने इसमें शामिल कर दी। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ज़बरदस्त रशियन सैलड, बहुत ज़बरदस्त लुक इसकी आएगी इंशाल्लाह, आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इसका मिक्स कर लें। अब ये मैंने आपको मिक्स करके क्यों बताया, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब ये सेब काटें, हम काटते जाते हैं सेब और डायरेक्ट हम इसको इसमें शामिल करते जाते हैं ताकि ये ब्लैक ना हो, काले ना हो। अगर आप इसको दो किलो सेब को इस तरह काटते रहेंगे, जब सेब दो किलो कटेंगे तो ये काले होने शुरू हो जाएंगे। ये फौरन मैं क्यूब की शक्ल में काटता रहूँगा और इसके अंदर शामिल करता रहूँगा इस तरीके से, तो फिर ये काले नहीं होंगे। मैं आपको दिखाता भी रहूँगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। हेलो व्यूअर, ये देखें ये जो है ना हमारा लड़का ये हेल्पर काटता जा रहा है और इसमें ड्रग शामिल करते जा रहे हैं मिक्स, क्योंकि ये अगर बाहर रहेंगे तो ये काले हो जाएंगे। ये बात आप तसल्ली से सुन लें। आपको कम्प्लीटली रेस्टोरेंट में जो बनता है, क्योंकि हमने इसकी भाई मेरे स्टॉप, हमें इसकी जो है ना एक्सपायरी डेट जो है ना वो हमें ज़्यादा रखनी होती है। हम इस तरीके से घर में केला दब दो, आलू दब दो, वो घर में तो आप दब सकते हैं
रेस्टोरेंट पे भाई हमने डालते ना कहीं पे, किसी ने हमें आज तक बताया ना लिखा हुआ है कहीं पे कि रशियन सैलड में आलू और केला डाल दो। अगर आपने डालना है, आपको पसंद है, तो आप उसी टाइम एक घंटे दो घंटे में यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए, इंशाल्लाह मैं मजीद आपको गाजर की कटिंग का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर मेरी तरफ देखें, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था 2 किलो सेब का फार्मूला, बेस इसकी 2 किलो सेब है, मायोनीज और क्रीम शामिल करके मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कलर इसका ठीक नहीं होता और गाय के दूध की क्रीम यहाँ पे तैयार होती है। पाकिस्तान में आप टेट्रा पैक ले लीजिएगा। ये मेरे पास ये अंगूर हैं, देखें ये मैंने हाफ हाफ कट कर लिए थे, इसमें शामिल करते हैं हाफ के जी, ये आधा किलो का पैकेट यहाँ मिलता है। आधा किलो ये हमारे पास कलर वाले अंगूर हैं, ये शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हर चीज़ आपके पास ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास आधा किलो मटर थे, अगर पाकिस्तान में आप हैं तो आधा किलो मटर ये निकाल लिए मैंने और ये 6 मिनट में बॉयल हुए। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने, इस तरह खड़े खड़े होने चाहिए, देखें इस तरीके से, इस तरह का होने चाहिए। ये इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास आधा किलो 600 ग्राम जो है ना गाजर थी, इसको भी मैंने इस तरीके से तकरीबन 5 मिनट में ये बॉयल हो गई और इस तरीके से इसको मैंने जार में बॉयल किया। 90% मैंने इसको बॉयल कर लिया, 10% छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल कर दें। ये मेरे पास मैक्रोनी थी, इस जो है ना स्टाइल की मुझे यहाँ मिली है, ज़बरदस्त है। आप पाकिस्तान में हैं, सिंपल मैक्रोनी भी शामिल कर सकते हैं, पास्ता भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैं देखूंगा जहाँ पे मुझे बेहतर लगा मैं इसको वहाँ रोक दूंगा। एक पैकेट था ये, मैंने बॉयल कर लिया, 5 मिनट में बॉयल हो गई है, इसको मैं शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बहुत ज़बरदस्त लुक। ये मेरे पास 2 पाइनएप्पल थे, इसको काटने की जो रेसिपी है वो मैंने आपको दे दी थी, आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। ये देखें हमने ये फ्रेश लिया है पाइनएप्पल जो है ना, उसकी जो उसको काटने का बनाने का तरीका था उसकी रेसिपी भी मैंने दे दी। वो वैसे वो जो है ना जार मिलते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मिल जाता है ना, यहाँ पे मिल जाता है इजिली, लेकिन हमने ये यहाँ पे ये फ्रेश शामिल किया। कॉकटेल का डब्बा जो है वो यहाँ पे अभी नहीं मिला, दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा। वो जो मिक्स उसमें जो है ना पाइनएप्पल का डब्बा होता है, उसमें मिक्स चेरी वगैरह और मिक्स फ्रूट होते हैं, वो भी आप शामिल कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये नहीं है मैंने सब कुछ दब देना है, जहाँ पे मुझे समझ आएगी भी ये ठीक है, इतना इसके अंदर मैक्रोनी होनी चाहिए उतना वहाँ पे मैं रोक दूंगा। ये देखें इसको मैं भी फाइनल लुक में चेक करूंगा, इसका इसकी मायोनीज इसकी क्रीम सब कुछ मैं चेक करूंगा। 4 टेबल स्पून सिरका, ये इसको बैठने नहीं देगा। 4 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दें, ज़्यादा ना कीजिएगा। ये वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, ये देखें वाइट पेपर 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये देखें 1/2 टीस्पून, ये देखिए इतना सा शामिल करना, टच चाहिए इसका बस, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, ऐसे कोई मसला नहीं है। ये देखें इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लें इसको, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त ये जो इसको मिक्स हो गया ये। अब 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, ये देखें 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें बस। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से, ये देखें ऐसे, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, इसको मैं चेक भी कर लूँ कोई कमी तो नहीं है इसके अंदर। ये देखें मैं इसको चेक कर लूँ थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मायोनीज और शामिल होगा, ये तकरीबन 1 पाव मायोनीज और शामिल होगा, थोड़ी सी क्रीम शामिल होगी। इसको फाइनल लुक देने लगा हूँ मैं, ये क्रीम तकरीबन 100 ग्राम इसके अंदर मैंने और शामिल की क्रीम, और 100 ग्राम मैंने इसके शामिल किया मायोनीज, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह की यहाँ क्रीम मिलती है भाई मेरे, और शुगर इसके अंदर शामिल कर दें, ये देखें
کریش شوگر ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون ٹو اینڈ ہاف ٹیبل. مزید میں نے شوگر شامل کی اس کے اندر. اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں ایسے. یہ دیکھیں میں مکس کر لوں اچھے طریقے سے, پھر میں آپ کو ملتا ہوں. یعنی ویور اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ پیکٹ ملتے ہیں, یہ اس طریقے سے یہاں سیل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا. اس طریقے سے اس کو میں بنانے لگا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالتے رہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا اس طریقے سے بنا لوں میں. ویٹ فرسٹ, میں اس طریقے سے یہ سارے بھر لوں, پھر میں آپ سے ملتا ہوں بھائی. یہ لیں ویور اس موقع پہ آ کے یہ دیکھیں میں نے جس طرح پیکٹ اس کے فل کر لیے. یہ جو کشمش ہے میرے پاس, یہ اس کے اوپر ایسے گارنش کے لیے ڈالتے رہیں. یہ دیکھیں یہ دو دو تین چار چار پانچ پانچ دانے اس کے اوپر گارنش کے لیے ڈال دیں ایسے اس طریقے سے. یہ دیکھیں پھر اس کو پیک کر کے فریج میں چلی جائے گی. صبح یہ انشاءاللہ سیل کے لیے تیار ہوگی بالکل. تھوڑی سی تھکنس میں بھی آ جائے گی مزید, اور بہت ٹھنڈی بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ چیز ٹھنڈی اچھی لگتی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں یہ فائنل ہو گئی. یہ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے نا پاکستان میں 120 روپے کا, 100 سے 120 روپے کا بال سیل ہوتا ہے پاکستان کے حساب سے. میں نے آپ کو بتا دیا, مزید ہمارے پاس یہ بھی رہتی ہے. یہ میں پھر بعد میں جو ہے نا اس کو فل کر لوں گا. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.